अस्सलाम। सो फाइनली बाइनेंस आप लोगों के लिए पैसा डबल करने की अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया है। अब पैसा डबल का मतलब क्या है कि अगर आप लोग $10 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन रिटर्न $20 मिलेंगे, अगर आप लोग $20 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन रिटर्न $40 मिलेंगे। ये क्या तरीका है? प्लस यहाँ पर एक बात की एडिशन कर दूं कि आप लोगों को कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप लोगों को कहीं पे भी कोई रिस्क नहीं लेना है, मतलब रिस्क आपका जीरो होगा, प्रॉफिट आपका मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। क्या तरीका है, क्या स्टेप है, सारे के सारे मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको समझ तभी आएगा, पैसा भी आपका तभी डबल होगा जब आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, बिकॉज वो सारी सारी ट्रिक्स और वो सारे के सारे स्टेप्स मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। बट समझेगा वो ही, पैसा भी उसी का डबल होगा जो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेगा और उसी तरीके से परफॉर्म करेगा, तो उसका पैसा डबल हो जाएगा बिना किसी रिस्क के। अब काम क्या है और बाइनेंस आप लोगों को ऐसी ऑफर क्यों दे रहा है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा, और आपने अपना पैसा डबल किस तरह करना है वो भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो आप लोग स्टार्ट से एंड तक पूरी वॉच करिएगा ताकि आपको पूरे का पूरा तरीका, पूरे के पूरे स्टेप्स समझ आ जाएं और आप लोग भी अपना पैसा इजीली बिना रिस्क के साथ डबल कर लें। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को मस्ट लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बिकॉज मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, तो जैसी कोई न्यू ऑनलाइन अर्निंग वीडियो आएगी आप लोगों को एज सून उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग अर्ली वीडियो वॉच करेंगे और अपना पैसा बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को बताता हूं स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस जिससे आप लोग अपने पैसे को डबल कर लेंगे। तो लेट्स गो। तो बाइनेंस से आप लोग किस तरीके से पैसा कमाएंगे वो पूरी की पूरी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों को ये काम करने से पहले क्या क्या चीजों की नीड होगी। सबसे पहले आप लोगों का बाइनेंस पे एक ऑफिशियल अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ होना चाहिए। ऑफिशियल अकाउंट का क्या मकसद है, जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं एसआर ट्रेडिंग के नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ है, इट मीन्स मेरा अकाउंट क्रिएट भी हुआ है, साइन अप भी हुआ है, प्लस इसके साथ साथ केवाईसी की वेरिफिकेशन भी हुई हुई है। केवाईसी की वेरिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली एक ऐसी वेरिफिकेशन होती है जो बाइनेंस का जो प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस जो एक्सचेंज है, वो वेरीफाई करता है कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं जिसके यहाँ पर पैसे हैं, और आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग वगैरह जो ईच एंड एवरीथिंग आप लोग अपने इस अकाउंट में करते हैं, पैसे भेजना, पैसे डालना, पैसे विड्रॉ करवाना, पैसे किसी और को सेंड करना यूएसडीटी की मद में, सो इन सारी चीजों के एक्सेस के लिए आप लोगों का अकाउंट केवाईसी से वेरीफाई होना लाजमी होता है। अब केवाईसी से वेरीफाई किस तरीके से होता है, अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है, साइन अप होता है एंड देन वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई हुई है। अगर आप लोग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, फ्रेश यूजर हैं, आप लोगों को नहीं पता अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है, केवाईसी की वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगा जो मैंने लास्ट अपलोड की है, उसमें मैंने प्रॉपर आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से आपने बाइनेंस पर अपना अकाउंट साइन अप करना है, केवाईसी की वेरिफिकेशन कंप्लीट करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है ताकि आप लोग इजिली इसमें विदड्रॉ कर सकें, डिपॉजिट कर सकें और ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, स्पॉट में करें चाहे फ्यूचर में करें, उसके लिए आप लोगों को अपना अकाउंट केवाईसी से वेरीफाई करवाना लाजमी होता है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हुई वीडियो के लिंक पर क्लिक करके अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो सब कुछ देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें इस पर कमाना किस तरीके से है, बिना रिस्क के अपने पैसे को डबल किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आप लोग अकाउंट साइन अप कर लेंगे, उसको केवाईसी से भी वेरीफाई करवा लेंगे, तो आपने सिंपली अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पर आप आएंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आप लोग देखेंगे जो इस वक्त आप लोगों को सामने नजर आ रही है। आपने सिंपली इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल की यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको मोर सर्विसेज का कॉलम दिख रहा होगा, सिंपली आपने मोर सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर टॉप पर अगर आप देखें तो सर्विसेज के नीचे लिखा हुआ है सर्च मोर सर्विसेज, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और सर्च करना है अर्न। अर्न आपने टाइप कर लिया, जैसे ही आपने अर्न टाइप कर लिया तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लर्न एंड अर्न का सेकंड है, अर्न का थर्ड है, सुपर अर्न का, देन फोर्थ है सिंपल अर्न का। आप लोग सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो अर्न है। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस शो होगा जिसमें टोटल आप लोगों को एक फ्लेक्सिबल का कॉलम नजर आ रहा होगा, एक लॉक का कॉलम नजर आ रहा होगा। अब मैं दोनों का डिफरेंशिएट आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोग इजिली समझ के उस हिसाब से अपना पैसा डबल करें। यहाँ पर फ्लेक्सिबल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, टोटल जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स आपके पास होते हैं किसी भी एक्सचेंज में, तो वो सारे के सारे कॉइन्स आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है और लिखना है USDT, बिकॉज आप जब इसमें डिपॉजिट भी करवाते हैं तो आप USDT आप अपने पास बेसिकली आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन
किसी भी एक्सचेंज में होती है वो यूएसडीटी में होती है, ना ही पाकिस्तानी रुपी में होती है। और यूएसडीटी क्या होता है, यूएसडीटी बेसिकली ये अमेरिकन डॉलर होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूएसडीटी के नाम से शो होती है। तो आपने सिंपली जितना भी काम करना है अपनी ट्रांजेक्शन वो सब कुछ यूएसडीटी में ही करनी है इस ऑप्शन से अर्न करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्सिबल में यूएसडीटी सर्च कर लिया है तो मुझे वो बता रहे 3.69। अब आप ये देख सकते हैं 3.69 ग्रीन कलर से हुआ है, इट मींस कि ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आप अपने यूएसडीटी को, लेट सपोज आपके पास 10 यूएसडीटी है और आप लोग 10 यूएसडीटी यहाँ पर स्टेक पे लगा देते हैं, ये इट मींस कि आपने इन्वेस्ट कर दिए। ये वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें रिस्क होता है कि कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको लॉस ना हो जाए, इस तरीके का कोई भी इसमें सीन सिनेरियो नहीं होता। ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप अपने पैसे, जैसे आप लोग किसी भी बैंक में पैसे रखवाते हैं और बैंक आप लोगों को आपकी अमाउंट के बिहाफ पर मंथली बेसिस पे प्रॉफिट देती है, बेसिकली ये आपका उसी तरीके का काम है। बट इसमें आपको फायदा क्यों है बैंक से ज्यादा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबल में आपको यूएसडीटी शो हो रहे हैं 3.69। इट मींस कि फ्लेक्सिबल में अगर आप यूएसडीटी अपने लॉक करवाते हैं तो आप लोगों को डेली बेसिस पे 3.69% का प्रॉफिट होगा जितने भी आप यहाँ पर लॉक करवाते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे $10 जो है लॉक करवाता हूँ फ्लेक्सिबल में, तो यहाँ पर मुझे 3.69% मेरे $10 पर डेली बेसिस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल और लॉक का क्या कनेक्शन है, फ्लेक्सिबल में क्यों है, लॉक्ड का ऑप्शन क्यों है? तो फ्लेक्सिबल में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई एसएच लिमिट नहीं होती कि आपने इतने ही टाइम तक लॉक रखवाने हैं। आप लोग एक सर्टेन टाइम तक अपने अमाउंट को, अपने यूएसडीटी को लॉक रखवाएंगे और उसके बाद ही विड्रॉ करवाएंगे। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि आपने आज लॉक करवाया, कल प्रॉफिट लिया और परसों निकाल लिया, सिंपल। ये फ्लेक्सिबल में आप लोगों को फायदा होता है कि वो आप फ्लेक्सिबली आपके लिए पॉसिबिलिटी होती है कि आपने आज अपनी यूएसडीटी लॉक करवाए, कल आपने प्रॉफिट लिया और परसों आप लोगों को फॉर एग्जांपल नीड हो गई, आपने पैसे विड्रॉ करवाने हैं अपने, तो आपने सिंपली इसको फ्लेक्सिबल से निकाल के अपने स्पॉट वॉलेट में डाल लिए और स्पॉट वॉलेट से जो है वो विड्रॉ करवा लिए। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास है लॉक का। अब लॉक में क्या फर्क है कि लॉक में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यूएसडीटी 21 डे, इट मीन्स कि आप लोगों की यूएसडीटी 21 डेज के लिए लॉक हो जाएंगे। आप लोग 21 डेज से पहले अपने यूएसडीटी को नहीं अनलॉक कर सकते, बट इसमें आपको बेनिफिट ये कि इसमें आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा। अब मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे शो हो रहा है 2.8% और फ्लेक्सिबल में शो हो रहा था 3.69%। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अब जैसे फ्लेक्सिबल में आप लोगों को शो हो रहा है कि यूएसडीटी के आपको 3.69% प्रॉफिट मिलेगा, फ्लेक्सिबल में आप लोगों का प्रॉफिट बिल्कुल सेम रहेगा, 3.69% ही रहेगा। अब आप आज लॉक करवाएं, कल लॉक करवाएं या फिर नेक्स्ट वीक में लॉक करवाएं, आपके 3.69% के हिसाब से ही प्रॉफिट डेली बेसिस पर बनेगा। लेकिन लॉक में आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आप लोग अपनी यूएसडीटी को 21 डेज के लिए लॉक करवा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि जरूरी नहीं आप 21 डेज के लिए लॉक करवाएं, अगर आप चाहें तो 1 वीक के लिए भी लॉक करवा सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी लॉक करवा सकते हैं, प्लस 2 मंथ के लिए भी लॉक करवा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। नाउ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई हमें फ्लेक्सिबल में यूएसडीटी के 3.71% का प्रॉफिट मिल रहा है और लॉक में हमें 2.8% प्रॉफिट मिल रहा है, हमें जबकि लॉक में ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि हमारे तो यूएसडीटी लॉक में 21 डेज के लिए, हम उनको निकाल ही नहीं सकते, और फ्लेक्सिबल में तो ये कि हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्सिबल और लॉक में मैं बेनिफिट बता देता हूँ कि फ्लेक्सिबल में अगर आप लोग अपने यूएसडीटी लॉक करवाते हैं तो आप लोगों का डेली बेसिस पे सेम ही प्रॉफिट बनेगा 3.7%, बट अगर आप अपने यूएसडीटी लॉक में रखवाते हैं 21 डेज के लिए तो आप लोगों का इसमें प्रॉफिट डेली बेसिस पे सेम नहीं रहता, अप और डाउन होता रहता है। अप और डाउन की क्या क्या लिमिट है, जैसे यहाँ पे 2.8% दिखा रहा है, ये कभी आपका किसी दिन आपका ये 3% होता है, किसी दिन 4 होता है, 5 भी जाता है, 10 भी जाता है, प्लस 40-45% तक भी आपका प्रॉफिट जाता है डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल में जस्ट 3.71% ही रहता है, आपका एवरीडे सेम प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे 3.71, बट यहाँ पर आप जब लॉक पे रखते हैं तो आपको 21 डेज के लिए आपकी यूएसडीटी लॉक हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपका प्रॉफिट जो है वो अप डाउन होता रहता है कि 2.8% अब ये दिखा रहा है, तो ये फॉर एग्जाम्पल टुमारो ये 3% दिखा रहा होगा, कभी 5 पे भी ये जाएगा, किसी दिन ये 10 पे भी जाएगा, 20-30, तो इस तरीके से इसका प्रॉफिट मार्जिन अप डाउन होता रहता है। तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा इसलिए है कि लॉक में आपका ज्यादा प्रॉफिट बनता है और फ्लेक्सिबल में आप लोगों का कम प्रॉफिट बनता है।
तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को सिंपल अर्न में मिलते हैं, जहां पर आप अपने यूएससीटी जितनी भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिना रिस्क के आप लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे आपको यहाँ पर प्रॉफिट से मतलब होता है, वो अब आपके ऊपर है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं, आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 100 डॉलर है, और 100 डॉलर आपका, आपको कोई 100 डॉलर का आप लोगों को कुछ काम नहीं है महीने तक, 2 महीने तक, तो आप लॉक पर ही रखना मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा बने। बट अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे यूएसडीटी पड़े हुए हैं जो कंफर्म नहीं है, आपको कभी भी निकालने पड़ सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप उसको फ्लेक्सिबल में रखवाएं, ताकि आप लोग का जब चाहें उसको अनलॉक करवा के अपने स्पॉट वॉलेट में डाल के इसको सेल आउट कर सकें। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा काम समझ आ गया होगा, किस तरीके से अपने पैसे को डबल करना है, 10 डॉलर को 20 करना है, 20 डॉलर को 30 करने हैं, और आराम से आप लोग फ्लेक्सिबली इसमें अपने पैसे लगा के अपने पैसे डबल कर लेंगे। कोई इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है, सब कुछ ईजी है, कोई आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, कहीं पे आपने रिस्क नहीं लेना, रिस्क भी मैंने जिस तरह आपको बताया कि 0 है। तो यहाँ पे मैं वीडियो कर रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों को पूरे के पूरे स्टेप समझ आ गए होंगे, काम भी इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से अनदर ऑनलाइन अर्निंग वीडियो में। Until then, okay, tata, love.